उसे क्यों? उसके पैसे तेरा बाप देगा। मुकुल, मुकुल को तो मैंने कब का छोड़ दिया। हेलो, अबे कहाँ रह गया यार? एक घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, ना तू आया ना वो चेतना आई है। भाई बस दो मिनट में आ गया, जल्दी आ यार। चेतना यहाँ है बेटा। और तू यहाँ पे अकेला क्या कर रहा है? मुकुल कहाँ पे है? मुकुल? अबे सर बोल सर, वो आता ही होगा। और तू एक बात बता, तू कहाँ थी इतनी देर से? अरे वो मैं हमारा चलदा है नाम, ना तू करे बदनाम, करे बदनाम, करे बदनाम। हमारा चलदा है नाम, ना तू करे बदनाम, मारे छित्रागे जोर पे हाँ हो सारे काम। खुले के हाथ में दुनाली करते हैं मनमानी, हाथ में दुनाली। यार माफ कर दे यार, मैं थोड़ा लेट हो गया। अबे थोड़ा? साले पूरा एक घंटा लेट है तू? नहीं हम तो पागल है ना जो तेरा एक घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अबे धर्मेंद्र भाई, हम ऑलरेडी इतने लेट हो गए हैं और इन सब फालतू बातों में तू और लेट कर रहा है। आ चल रे चल। बेबी तुम यहाँ? नहीं नहीं, पहले तुम भरत मिलाप कर लो, मेरे से बाद में मिल लेना। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दिखाई नहीं दे रही। अरे यार वो सब छोड़ो, आज तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, है ना धर्मेंद्र? हाँ हाँ भाई हाँ। सच्ची? वो सब छोड़ चल रहे, लेट हो गए चल। हेलो भाई, बस थोड़ी मोहलत तोड़ दे दो मेरे को, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई से उनके इलाज के लिए 1,00,000 रुपए मांगे थे, अभी तक नहीं चुकाए, धमकी दी है जान से मार देंगे। तो क्या तू ये बात मुझे नहीं बता सकता? क्या तेरी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है? मैं तुझे पैसे भेज रहा हूँ, भेज दियो, और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भेजती है। थैंक यू यार। चल ठीक है, और बता दिया अगर कोई दिक्कत हो तो। चल यार, वो ड्रेस कितनी प्यारी थी ना, मुझे ले लेनी चाहिए थी। मैंने इसलिए ले ली क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना सिमरन, उसके पास भी वही ड्रेस है यार, मुझे अच्छी लग रही थी वो ड्रेस, काश वो मेरे पास फिर से आ जाए। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। रोशन तू आ जा, आ बैठ। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कंपनी क्यों नहीं आ रहा यार? जब तू है कंपनी में तो मेरी क्या जरूरत? तो भाई तू लाइफ में सीरियस कब होगा? एक मिनट। हेलो, 5,000 रुपये? चल मैं अभी भेजता हूँ। भाई ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्या सही नहीं है? उसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने भेज दिए, और यही तो दोस्ती है। हाँ ये है दोस्ती भाई, माना दोस्ती का असूल है कि जब दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करो, पर भाई ये दोस्ती नहीं, ये मतलबी बनना है, मतलबी है सारे। चल तो अपना ध्यान रखियो, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? उसको थोड़ा काम था।
भाई इस साल हमें जितने भी टेंडर मिले ना वो सारे कैंसिल हो गए, कंपनी को लाखों का नुकसान हो गया, तो काफ़ी कर्जे में आने वाले हैं भाई। पर तू टेंशन मत ले, जो हमारी बेस्ट टीम है ना उसे मैंने टेंडर वापस आने में लगा दिया है। आई होप हमें जल्दी टेंडर वापस मिल जाए और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। बाकी तू टेंशन मत ले, मैं चलता हूँ। चाय पी लो, तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। यार चेतना, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ना वो इस टाइम कंगाल है। मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि यार वो वैसे ही इतना डिप्रेशन में, हम उसे पूछ के यार और क्यों उसे परेशान करें। बता दो कहाँ चले। मनाली चलते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं धर्मेंद्र को ही फोन करता हूँ, वो भी हमारे साथ चलेगा। हेलो, एक काम कर, कपड़े पैक कर ले और घर पे आ जा, मनाली चल रहे हैं। यार मनाली, यार एक काम करो ना, तुम ही हो वो ना यार, मेरे को पैसे दिए। अबे तू पागल है क्या यार, मैंने तुझे पैसों के लिए बोला, चुपचाप कपड़े पैक कर और घर आ जा। ठीक है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? ये रिक्की है, मेरा एक्स, मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या बोला तूने? इससे प्यार करती है? और जो 2 साल से तू मेरे साथ रिलेशन में है वो सब झूठ था। आज मेरी लाइफ से पैसे क्या चले गए, तुम सबने अपने रंग दिखा दिए। सही कहता था रोशन, तुम सब मतलबी हो, लेकिन मैं नहीं माना। अब एक काम कर, चली जा यहां से, वरना मैं बर्बाद तो हो ही गया था, खूनी भी हो जाऊंगा। दबो मेरी तरह, तुझे क्या लक्ष्य बोलना पड़ेगा? तुम भी रोगी जिस दिन टूटेगा तुम्हारा ये दिल, याद हमें ही फिर तुम करो।
पर हम ना होंगे तुम। चेतना, चेतना, हाय। धर्मेंद्र, तुम? मुकुल कहाँ है? मुकुल, मुकुल को तो मैंने कब का छोड़ दिया। मैं रिक्की से प्यार करती थी, वो मेरी लाइफ में वापस आ गया तो मैं उसके साथ आ गई। तो फिर मुकुल का क्या? उसका क्या, पड़ा होगा कहीं पे। वैसे भी उसकी लाइफ में बचा ही क्या था, कोस रहा होगा अपनी जिंदगी को। वैसे तो सही कह रही है, मुकुल की जो भी हालत है ना आज, वो उसका जिम्मेदार खुद है। उसने कभी अपने काम को सीरियस लिया ही नहीं था, और वैसे भी बहुत घमंड था ना उसे अपने पैसों पर, टूट गया। मुकुल मेरा भाई कैसा है? मुझे पता था तू फिर से कामयाब होगा। कामयाब? अबे मैं बर्बाद ही कब हुआ था। तुझे लगता है ना कि तेरे दोस्त ऐसे सच्चा प्यार करते हैं, तो एक काम कर, तू मार्केट में खबर फैला दे कि तेरी कंपनी नीलाम हो चुकी है, तेरा दिवालिया हो गया है, फिर देखता हूँ कौन सा दोस्त तेरे साथ खड़ा होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वो तो वक्त बताएगा मेरे भाई। चल तू अपना ध्यान रखियो, मैं चलता हूँ। एक बात बोलूँ तुझे, मुझे तुम दोनों पे भरोसा था कि जब मेरा बुरा वक्त होगा ना तो तुम दोनों मेरा साथ दोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। लेकिन नहीं, तुम दोनों ने तो मुझे झूठा ही साबित कर दिया। हाँ मगर एक बात सच है कि जब इंसान का वक्त बदलता है ना तो सबसे पहले अपने बदलते हैं। मुझे माफ कर दो मुकुल। माफी मत मांगो। अच्छा हुआ तुम मेरी लाइफ में आई, कम से कम मुझे ये तो पता लगा कि धोखा मिलने के बाद ही इंसान को खुद की कदर होती है। साडे कर्मा च किथे सुन प्यार दी, जिन्ने वैर पै गए देना किसे मारनी। हा टक्करू बरोबर दा हो गए टक्करू, कमा हथ बाजी आ जू गल दूर दी। आ जिन्ना जिन्ना नाल पै वैर जत दे, करे लग दे ना पेंट मूर्ती। आज जिन्ना जिन्ना नाल पै पैर जत दे, कले करे लग दे ना पेंट मूर्ती। हाँ लगियां जमानतां दे होण वाले बरी ने, सोच सोच इसे गलो जांदे वैरी डरी ने। धरती तो कर देनी गैब नखरो, दिल गौड़ जड़ी तेन पूर दी। आज जिन्ना जिन्ना नाल पै पैर जत दे, कले करे लग दे ना। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो रेड वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अगली नई वीडियो के अपडेट के लिए। और यार प्लीज लाइक और कमेंट किया करो, मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज कर दिया करो यार। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, और मेरे ब्लॉग चैनल को भी जाके देखो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्दी, जब तक के लिए लव यू, बाय बाय।